मैंने कम कर दिया। मैम इधर देख, मैम 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 और कौन आ रहा है? चलो एक ठीक है जी। इससे आगे अगर आप दिव्यांग जनों के लिए जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई हैं उनमें से ये भी एक सुविधा है कि जो लोग चल नहीं सकते और वो अपने जीवन में अपने आप को पीछे ना समझे, तो देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि दिव्यांग जन भी इस दुनिया की रेस में किसी से पीछे ना रहें, अपना काम काज कर सकें, अपने पांव पर खड़ा हो सकें, किसी पर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर हों, तो उसी के नाते आज हमने सांसद निधि से यहाँ पर कुछ स्कूटी जो हैं वो दिव्यांग जनों को बहनों को समर्पित की हैं ताकि वो अपना जीवन जो है वो सही से व्यतीत कर सकें, अपनी रोजी रोटी भी कमा सकें और अपने आप को असहाय ना समझें। मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उनकी जो टीम और बाकी भी सहयोगियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने समय रहते ये पैसा जो है सांसद निधि से रिलीज करवाया है और इसकी हमने ये जो स्कूटी खरीदी है आज ये स्कूटी हमने लोगों को दे दी है, तो लगभग 5 लाख रुपए की लागत से ये स्कूटी आई है। और मैंने जब पूछा, एक भाई हैं हमारे, उनसे पूछा तो वो कहते मैं टेलर मास्टर दर्जे का काम करता हूँ और मुझे वहाँ अपनी दुकान तक जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मैं मेटाडोर पर चढ़ता था तब समय लगता था, मेटाडोर से उतरता था तब समय लगता था, और फिर कई बार लोग धक्का दे देते, उनको मालूम नहीं कि ये अपंग है, मतलब दिव्यांग है। तो इसलिए उन्होंने तो नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत आभार प्रकट किया है कि जिन्होंने ये योजना चलाई और आज इसका लाभ जो है उनको मिला। जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए स्कूटीज़ के लिए हमें बताया था कि वो देना चाहते हैं, इसके इच्छुक हैं, तो हमने डिपार्टमेंट ने जो है वो प्रोक्योर किया स्कूटीज़ और आज सर ने यहाँ पे वितरण समारोह में कुछ दिव्यांगजन को स्कूटी दी है। मैं सबका बहुत आभार प्रकट करती हूँ क्योंकि इन्होंने जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको आज प्रदान की, जो सच में नीडी थे, जो प्योरिटी हाउस होल्ड से ताल्लुक रखते हैं और उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और उनको अपने डेली रोजगार का भी इसमें जो है मदद मिलेगी और दिन प्रतिदिन में जो उनकी चल मतलब रहता है